केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। मैं किंग हमीद आज पंजाब को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। जिस घर में हादसा हुआ था खंबे के ऊपर चढ़ कर रहे की शख्स जो ओसफा का झंडा जो भी लहरा रहा था वो उसको कुछ दिखा होगा, वो उसे बदौड़ के तोड़ के फिरका दिया और उसका झंडा यानी कि हनुमान का झंडा लगाकर यहाँ से चले गए। यानी कि उनको दहशत यानी कि 4000 आदमी लोग थे इधर, वो अंदर डर के हमारे अंदर रहे थे वो माशाल्लाह। फिर भी मैं बोलता हूँ ये बहुत बड़ी हिम्मत वाले हैं दोनों थे, और माँ भी नहीं थे उनके बेटे भी नहीं थे, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनके पर रहम करा। यानी कि आए और चले गए, और इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि हिम्मत से डट कर घर में रहे। इस माँ का हाल इनसे जानकारी लेंगे, इनसे क्या इनका क्या कहना है देखेंगे, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत मैं गरीब हालत सिंह से, हमारे नौशो कम दमाग के थे, उनको भी लेको मेरे साथ में करीब 2 साल हुआ इंतकाल को। मैं भी हार्ट पेशेंट, ऐसा एक मेरा बच्चा, घर में 2 भाई को बच्चे रहती, मैं तरकारी का धंधा करती, तरकारी का धंधा भी नहीं है अब, वहाँ तभी हमारे घर पर था ये हादसा चले। वो गली में जाने के टेम्पो चिल्ला ले कोटी पर सुल्तान के बारे में सभी बोल को, हमें उनके सदक़े से हमें खाना करी, अल्लाह के वास्ते क्या भी नहीं हुए सर का इंदा, क्या भी तकलीफ नहीं होना, हर मोमिन मुसलमान को भी अच्छा होना, हमें सभी भाईचारे सर का हिंदू मुसलमान सब भाईचारे सर का ही उसी तरह रहने का ना कोशिश कर को दो। फिर भी ऐसा हादिसा चला, किसी के घर को नक्को चलें दे, मेरा घर को चला सो चला, किसी के घर को नक्को हो दे। फिर भी मेरा है एक बच्चा, हम ना सबको भी देखना, मैं ही देखे था पेशेंट, मेरा बच्चा को छोड़े तो मुझे कुछ भी कौन भी नहीं हुआ, तो भी पति मजबूरी में रखो, हमें कूली मजूरी करे तो है, नहीं तो नहीं, हमें खर्चदारी में बहुत ही हो कहीं, हमारा घर गिरने वाला है, वो गिरता वर को बोल को वो टार पल डाल को ही, इसे में भी होता तकलीफ देखो, हम नाता करें। मेरी बहू एक है सौ वंटी, उन्हें स्कूल को जाती थी, एक भाई को बच्चे रचे घर को घर में, उन्हें भी नहीं जरिए, इसके बाद हुआ तो भी हमने ऐसा हादिसा नहीं चले सर का, अल्लाह के वास्ते हमने सारा कोशिश कर को दो। नहीं क्या भी हो को नहीं था, इस बार क्यों ऐसा हुआ, क्या लगता है आपको? वो क्या हुआ क्या गया, वो कौन से की गवाह से आपको इतना मजे ला कर को हमने इतना करे, एक गाँव के आदमियाँ हमें बहुत अच्छे भाईचारे सर का ही, गाँव के आदमियों से हमने क्या भी तकलीफ नहीं है, बाहर वाले आके कौन की कर को इतना ही आईंदा हमने क्या भी नहीं हुआ सर का, हमना जरा हमना माँ जान का भी धोखा है, हमना माल का भी धोखा हो को है, हमना रहने घर नहीं गए घर छोड़े तो हमना जरा हिफाजत करने का। तब मैं ट्रक ड्राइवर कभी कभी रहता है कभी कभी नहीं, और हमारा सरकारी बिजनेस है, वो भी आज देख रही हूँ तुम्हें क्या हिसाब से चल रहा है, रहा तो है नहीं तो नहीं करने के हिसाब से, उसमें भी ऐसे हादसे चले जब हमारे देखेंगे कम हालात की तो बहुत तो मजबूर रन जिंदगी गुजारना पड़ रहा है। ओके, बहुत शुक्रिया। ये जो हादसा चलिया जब हमारे घर में मौजूद थे 2 औरत, हम भी नहीं थे यहाँ, जो थे हमारे औरत और हमारे बड़े बहन, मैं कुछ काम से बाहर था, ये जो हादसा चला इसके बारे में काम भी अखबार आई नहीं मन में, अचानक घर के पास आया जब ये हादसा चल के ये हो गया, तो इससे क्या एक गुजारिश करता हूँ कि तो ये जो ईद जो फेस्टिवल इन्हों करते हैं इसमें वो ईद करने का एक तौर तरीक़ा रहता, वो तौर तरीक़े से इन्हों आगे बढ़े तो कौन सा भी कौम का इतना बड़ा मसला होने का इन्हें, ये क्या है सोच समझ को जिंदगी करने का ये है आज का माहौल में, और इसमें ये सभी हादसे चलते रहा तो ये बहुत बड़ी ये हो जाएगी जिंदगी, ये तेज क्या करने के हिसाब से हो जाता है, उसमें क्या है कि तो कौन सा भी हो हर कौम का हो उनके दायरे में रखो, उनके लिमिट में रखो, उनके जो काम आ रहती हैं ईदा हो और हो कुछ भी हो कर सके तो आपस में ऐसा लड़ने का ऐसे क्रिएट होने का ये नहीं रहता सब। जो भी आप यहाँ पर इतने साल से हैं, क्या आसपास के जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ आपका रिश्ता आपका जो है बर्ताव कैसा है?
माशाल्लाह साहब, ये जो सोशल मीडिया में इसमें हमें सभी देखते रहते ना, बाहर का माहौल तो इतना बिगड़ को है, कुछ बोल सकते नहीं। यहाँ तो माशाल्लाह हमें हिंदू लोग, मुसलमान लोग, दलित लोग, ऐसा हमारे इसमें आपको जहन में नहीं है, तो बहुत अच्छा हमारी ज़िंदगी चल रही है भाया भाया जैसा। सुबह को उठे तो उनकी सूरत हमें देखना है, हमारी सूरत उन्हें देखना है। ज़िंदगी यहाँ ऐसा बोलने का लफ्जांश नहीं मिलते शायद, बाहर वार का कौन की अकेला आपको करिया करने से उसकी जिम्मेदारी जो लेको थे उनका हाथ बहुत बड़ा है। यहाँ ऐसे हादसे माहौल को ख़राब करना जो ये ऑर्गेनाइज कर रही इन अब क्रेडिट तो लेती नू, अच्छा हो गया तो क्रेडिट लेती, तो बुरा हुआ तो डेबिट भी ले सकते, लेना मेरा वादा है बोल रहा हूँ। और जान का माल का नुकसान तो बहुत हो गया है, अभी तो बरसात नहीं माशाल्लाह, बरसात के दिन होते तो हमारी ज़िंदगी बहुत तकलीफ में बीतने का था। रही बात क्या है का, तो जो आदिशा चलना था चल गा, और आइंदे को ऐसा नहीं हुआ शरीर का, कौन सा भी कौम हो, हमारा भी हो, मैं हमारा ये नहीं करता, हर कौम में हो ऐसी इंसिडेंट नहीं चल। ओके, जब आप जाकर जो है जो भी पुलिस हैं जी, उनसे जो मुलाकात करें उन्हें क्या आप भरोसा दिलाएं? नहीं क्या है का, तो यहाँ से चले के बाद हमारे कमिटी से मैं राय मशवरा लेके मैं आगे बढ़ना चाहता था जी। सर्कल इंस्पेक्टर जाको हमना हमें है बेफिक्र से रो करने के हिसाब से हमने हिम्मत दिए, हमें इसके बाद आगे बढ़े। तो क्या वाकई में आप एफआईआर दर्ज कराए? हाँ एफआईआर हो गए, एफआईआर हो गए। अच्छा, तो उसे अभी तक हिरासत में लिए नहीं है? नहीं ले को ही साहब, वो एफआईआर में भी क्या है का, तो एक 16 साल का छोकरा उसके ऊपर एफआईआर करी, उसके ऊपर और 2-3 जने के ऊपर करी, फायदा नहीं। वो कौन की बाहर से आया, कौन की बाहर से आया कर दलिया क्या करने होता है, और एक बार देखेंगे इनशाला। ऐसा ये जिम्मेदार न है, ये बेफजूल बात में इतने बड़े हादसे वक्त गुजर रही, जो ये ऑर्गेनाइज करे उनको एक टाइट करे तो और ऐसे हादसे नहीं चलते कर मैं शायद समझ को। जब आप घर में नहीं थे, सारे जो है आपके बीवी आपकी बहन थी, आपको कैसा लगा, क्या था कि भाई इस तरह का माहौल, जब बड़ी भीड़ जो है रास्ते में आकर इस तरह नारेबाजी कर रही है, कैसा महसूस कर रहे? अब बहुत अफसोस की बात होगी, क्या है का, तो एक तो भाई का घर में थे, मैं बाहर था, अगर चमई रहा था तो इंशाल्लाह ये करने का कोशिश करता। पर हिंदू भाई से मैं गुजारिश जो भी कि वो चढ़ने के टाइम में भी हमारे घर के औरत पूछ ली पर चढ़ना वरना को, हमारी हालत बहुत ख़राब है, कवेलियाँ जो फूटने वाले हैं, बहुत पुराना घर है, अगर को बोल को भी बोल को वो भी केयर करवाने के ऊपर चढ़ी, बहुत नुकसान भी होगा है। और जितने भी हमारे मुस्लिम रहनुमा हैं, जो भी हमारे मुस्लिम खाइबीन हैं, इनसे आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह जो है हम सब एक होकर इन सब का सामना करते हैं? कुछ बोलना चाहता हूँ क्या, तो ये इतने दिन कल तक जो हादसे चले इसे हमारे बड़े बुजुर्ग में जिम्मेदार होती मेरा बोलता पर कि बोले तो एक दिन जो इंसिडेंट चलता है मैं हूँ बोल को आती, यह बहुत बड़े अफसोस की बात। ये जो चलिया चलने का अभी एक लफ्ज नहीं निकलना, यही हिसाब से बड़े बुजुर्ग का जिम्मेदारियां लिए तो हमारे देश में इतनी तकलीफ होने का, ये पिछले कितने साल से हैं आप, क्या आप पैदाइश है? पैदाइश है, एज घर में पैदा, एज आपके वालिद साहब यही करेंगे जी। हाँ या। ओके, और कहते हैं दिल में क्या चाहा था वो बोलो, मेरे घर के ऊपर चढ़को, मेरा झंडा तोड़ो, मजबूरी नहीं, मजबूरी में कवेला हाथ फिराने तक के हमारे हाथ पैसे नहीं, मैं तरकारी का धंधा करते, मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ, पैसा एक बच्चा उन्हें भी धंधे को गया तो गया नहीं तो नहीं, मैं इतनी मजबूरी में रहते तुमको इतना नहीं लगती, बहुत कुछ तकलीफ है, ये तो बोला कुछ पैसा नहीं था, हार्ट पेशेंट हार्ट वो मैं घर में बैठती हूँ, मुझे बनवा को पैसे नहीं, मैं करी तो धंधा घर में मेरा चला सकता समय पर, आजू बाजू वाले की मजबूरी तो भी अपना आरा नहीं दे रहे, हम इससे आके भी खुल सकते बेशक। कौन सा पीछे का इसका वोज घर के तो? वोज घर में। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जितने भी हमारे मुस्लिम रहनुमा हैं बड़े बड़े अजमा हैं उनसे क्या बोलना चाहते हैं? उनको हमारे वास्ते तो मैं सभी आ गया हूँ, हमें सभी ये आज हमारे घर को हुआ सवाल तुम्हारे भी घर को हुएगा, उसमें वो हादसा नहीं चलेंगे, इन गाँव में अच्छे रहेंगे, इसे कोशिश करो।
जी माँ। अच्छा, औरत तो रहती बहुत डरी हुई थी, उतने इतने भीड़ में मैं तो कुछ कर नहीं सकती, इसलिए मुझे बहुत डर लगता था। तो खुसूसन पुलिस ने जो कंप्लेंट कराया, शिकायत दर्ज कराया, केस दर्ज कराया, उन्होंने किस तरह आपको बहुत तसल्ली दी, आओ हमें ही तुम्हारे साथ करे गलती जैसा तुम्हारे घर में है जैसा अभी एक बार नेक्स्ट अभी हो सकता है, हमें ही तुम्हारे साथ बहुत पुलिस ने प्रोटेक्शन दिए, उन्होंने बोलने से मैं जाकर नेक्स्ट कंप्लेंट दिए सो वही तो कंप्लेंट देने भी तो मैंने गई थी, मुझे बहुत डर लगता था। बाद हमारे शोहर ने उन्होंने जा कंप्लेंट दिया बाद मुझे हद में सब डर्रा हिम्मत दिया बाद मैं बाहर निकली, बहुत डर था मुझे। कैसा लगता है कि कितनी भीड़ थी, कितने हजारों में तैदा थी, कैसा हजारों में बल्ला के 4000 तक अदमियान थे, प्रोसेशन गए थे उन्होंने भी क्या पहले चुप बोला नहीं, उन्होंने क्या बोला जो काम कोई वो काम करो, दूसरा नहीं बोलना अगर बोलेगा, इन्होंने क्या करे बेफुजुल के बता कर ले को और वो हिस्से वाले वो काम करे सो कोना हिस्सा वाले कौन भी कुछ क्या नहीं करे। ओके, एक और सवाल है, क्या लगता है आपके आपके शहर के रहने वाले ये करते हैं या किसी और कहीं और क्या शहर के करने वाले का, तब हमें आजू बाजू है हमारे हिंदू हमारे हाई सोच हमारी गली में तीन घर हमारे हिंदू हमारे मुस्लिम के हिंसो पूरा हिंसो घर को मत बोला, हमें बहुत अच्छे हैं भाईचारे की सरकार, अच्छे हमें बहुत अच्छे भी हैं, अच्छे बहुत हम ना चाहती हूँ नहीं तो हमें इतना रहने भी होता था नहीं है, कौन की दूसरे करीम बगैर यहाँ वाले तो कौन भी नहीं करी होगा यहाँ वाले, वो मसले को लेकर क्या बोल रहे हैं आप, मच क्या भी ना बाजू बाजू हमने हिम्मत दे रही क्या भी नहीं छोड़ा जल्ला ऐसा करे नेक्स्ट अच्छा करेंगे अगर को बोल रही अगर दूसरा तो क्या भी नहीं बोल सकते। तो अबे क्या उम्मीद करती हैं कि जो भी पुलिस है जो भी महकमा है उन्होंने क्या इंसाफ देती है, प्रोटेक्शन देती हमें इंसाफ दिलाती ना, उम्मीद है उम्मीद है। जो भी हमारे बड़े हैं जैसे कि मुस्लिम रहनुमा हैं जो भी सेकुलर पार्टी के रहनुमा हैं बड़े बड़े लीडर्स हैं उनसे आप क्या बोलना चाहती हैं, कहीं और जगह इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। आज हमारे घर में ऐसा हुए लेकिन दूसरे घर में है तो बहुत तकलीफ होती है, ऐसा चलते 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 रहा तो एक औरत जात को हो नहीं तो मुसलमानों को रहने तो बहुत बेचैन होता है, इसलिए बहुत से बहुत मंजे भी घर में रहना बहुत डर है कि बोला हमारा घर ऐसा है कि हमें घर की बहुत ही माहौल खराब है, अब हमें कमाई तो हमारी जिंदगी चल रही है सो बैठे तक कुछ भी नहीं होता, बाहर जाना कमाना हमारी जिंदगी चलाना, हमें फोन भी हमें घर में काम भी कमाने जाको नहीं, वही तो अब निकली बाहर मुझे बहुत डर हुआ। आज क्या काम कर, मैं अव्वल बीजीएस में टीचर थी, अब घर में मुझे जरी तबीयत सब बिगड़ी उसमें मेरी बच्ची छोटी है, पिछले कितने साल से यहाँ पर, 5 साल से शादी होकर, शादी होकर आपका घर कहाँ, मतलब आपके वालिदा का घर चिंतपुरली, चिंतपुरली से फिर बाद में जी तो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं वो पूरा सही है, अभी क्या हो गया तो जाते आते फुल लागरे पागल है को चढ़ाने पे दूसरा गैंग की बोला मर्द बने फोन भी नहीं आते, भाई को जाते दो जने आते हैं सास भी भो एक बच्ची उन्होंने डर के मारे अंदर पूरे पुलिस हाथ से गाड़ा ले आते नहीं जाते तो अभी भूत पड़ता था। सर पिछले ये कितने साल से ऐसा हो रहा है मगर इस साल देखने को इस साल ज्यादा 8 साल से चल रहा है, अच्छा। इस साल जरा बहुत ज्यादा ओवर को ऐसा झंडा सब पड़ गया। और यहाँ के जितने भी आपके अड़ोस पड़ोस में ही हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनके साथ कैसा रिश्ता है, कैसा है बर्ताव, अच्छे दो वाले पूरे भाई बहन से अभी मत आ जाओ क्या हो रहा है तो और ये जो भी हरकत करे वो मेरे अंदर से आपके गांव वाले नहीं था, गांव वाला नहीं है बाहर वाला है, अच्छा वो बाहर वाला आपको करको हो गया था उसकी सूरत भी करके पकड़ बनी इसमें वीडियो पूरा कर दो वायरल पूरा हो गया। ओके, पुलिस की तरफ से आपको किस तरह की उम्मीद दिलाई जा रही है, पुलिस अरेस्ट कर दी अभी भी किस तरह आप महसूस कर रहे हैं, कैसा है माहौल आपके गंजाम में, गंजाम में क्या गपशप मामूली उतना चुस दिन चला उतना ही बाद में क्या जो भी है माया और मोहब्बत से ही कि हालांकि क्या भी ऐसा गांव के अंदर जो है पैदाइश हो को ही वो आदमी से क्या भी हमला तकलीफ तो नहीं है हमारे से उनको नहीं है उनसे हमारे को नहीं है और भाईचारे से मोहब्बत से ही हर खुशी में शामिल होती हूँ हर दिख में शामिल होती हूँ, वैसा के भी एक तो हमारे पास नहीं है उनके पास भी नहीं है मगर ये बाहर से आकर बाहर से आके लोग नारे लगा के गए तो वो माहौल आके कोई भी अभी मेल वॉश हो सकता है,
माहौल को खराब करने की कोशिश कर सकता है, माहौल को खराब कर सकता है। अब पांच आदमी एक सा नहीं रह सकता कि हालांकि ऐसा चलो करके ये माहौल आप क्या है उसमें हमें सही तरीके से मिलकर जारी इंशाल्लाह। बस सब बहुत शुक्रिया। मैं जिस तरह आपके पीछे जो घर है उसी को जो है कम से कम दो दिन से जो है वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, पूरी दुनिया में वायरल हो गया। सब्ज रंग का झंडा जो है निकाल कर केसरी रंग का झंडा डाल देते हैं। आप भी अड़ोस पड़ोस के हैं, क्या बोलना चाहती हैं, कैसा था माहौल, क्या हुआ सब? देखो ये जो प्रोसेशन निकाले अब उनके क्या के बारे में हमें कभी गैर गलत बोलने की इजाज़त नहीं है जी। हालांकि ये क्या कहते हैं जो भी जाने के टाइम में उसमें चंद लोग जो करे वो सरासर गलत है और डर का माहौल है जी। इसीलिए क्या है हर आदमी ने भी एक मोहब्बत की पैदा करने की गुजारिश करता हूँ कि आइंदा किसी घर के ऊपर भी हो, किसी मजहब के ऊपर भी हो, चाहे मुसलमान हो चाहे बे मुस्लिम हो, किसी की मजहब के ऊपर भी उंगली उठाकर ऐसा काम ना करे करें कि मैं एक मैसेज दे सकता हूँ। हालांकि यहाँ का एक डर का माहौल बहुत ये हो गया है। क्यों तौर को बोले तो अब गुजरात में जो करे जो ऐसा हम यहाँ कर सकते हैं ऐसा बोले तो माहौल हर किसी को भी डर होता है। नहीं वो जो भी प्रोसेशन चला उसमें क्या नारे थे, क्या बोल रहे थे? नारे थे कि हजरत तो शहीद चीफ मुसलमान के खिलाफ थे जी और मुसलमान के खून के ऊपर थे, हम मुसलमान को जलाते हैं, तो इस तरीके से आवाज डाले थे कि और शहीद चीफ मुसलमान शहीद रहमत के ऊपर भी नाम ले तो वो गलत जुबान से वो बोल रहे थे कि हम बोल सकते थे कि हाँ शहीद की बारगाह इलाही में हम हैं कि उनके नाम को ऐसा गलत बोल रहे थे करके बोलने के लिए हमारे ऊपर जबान नहीं आ रही है। इसीलिए कि हद से ज़्यादा की तादाद में मोहब्बत है जिसे और कानूनी की तरीके से मेरी गुजारिश क्या है कि कानूनी के तरीके से कामयाबी करने के लिए और जो भी डर का माहौल है कानून की तरीके से उसे कामयाब करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ जी भैया। बहुत